हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित यूजफुल ट्रिक। तो आइए, ये ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, और अगर आपको ट्रिक यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फर्स्ट ट्रिक है दाल को लेकर। जब भी हम दाल बनाते हैं तो दाल पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। जब भी आप दाल बनाएं उसे भिगो कर रख दें, और इसके बाद भी आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। इसमें हम थोड़ा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा नमक डालकर पानी डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी दाल गल जाती है। और इसी से संबंधित नेक्स्ट ट्रिक है, जब भी दाल प्रेशर कुकर से बाहर निकलने लग जाती है तो इसके लिए हमें इसमें एक चम्मच डाल देनी है। चम्मच को हम इस प्रकार डाल देंगे, और इस प्रकार डालने से आपकी जितनी भी दाल बाहर को निकलती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। नेक्स्ट ट्रिक है प्याज को लेकर। प्याज से संबंधित कई ट्रिकें मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ। तो जब भी आप प्याज काटें, तो प्याज काटने के बाद हमें प्याज के इस प्रकार पीसेस कर लेने हैं, और इन पीसेसों को हम छोटे छोटे भागों में इस प्रकार विभाजित कर देंगे, और इस प्रकार हमें एक पिन ले लेना है, और पिन में हमें इसे इस प्रकार डाल लेना है। अब हमें पड़ेगी एक तागे की आवश्यकता, और तागा हमने पिन में इस प्रकार बांध लिया है। अब हम इसका यूज उस स्थान पर करेंगे जहाँ पर मक्खी मच्छर अधिक आते हैं, और आप इसे बल्ब के नीचे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब के नीचे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और गर्मियों के मौसम में आप इसे किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके किचन में बिल्कुल भी मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है न्यूज़पेपर को लेकर। इस प्रकार के जो न्यूज़पेपर होते हैं हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो आज हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज हम फ्रिज की बैड स्मेल को भगाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे इस प्रकार मोड़ लेना है, और हमें लेना है एक कटोरा, और कटोरे में हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, और इसके बाद हमें ले लेना है बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा कागजी नींबू का रस, और आप इसकी जगह पर विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें न्यूज़पेपर को इसमें डाल देना है, और न्यूज़पेपर हमने इस प्रकार डाल लिया है। और अब चलते हैं हम फ्रिज की ओर को। हम देखते हैं कि फ्रिज में जब लाइट चली जाती है तो उसमें काफ़ी बैड स्मेल आने लग जाती है, और हमारे फ्रिज की सारी सब्जियाँ भी ख़राब हो जाने लगती है, तो हमें इसे फ्रिज में रख देना है। तो आप देखेंगे इस सॉल्यूशन के द्वारा आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ही आजमाएं। नेक्स्ट ट्रिक है मिक्सी जार को लेकर। मिक्सी जार में अगर हम कुछ भी पीसते हैं तो इसका रबर ढीले होने के कारण ये पूरा बाहर की ओर फैल जाता है, तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो आपको ले लेने हैं इस प्रकार के कोई भी बैंड जिन्हें हम यूज कर चुके हैं और जो ढीले हो चुके हैं। इस प्रकार हम इस एयर बैंड को इसमें लगा लेंगे। हमने अपने मिक्सी जार में इसे इस प्रकार अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद आप देखेंगे आप मिक्सी में कुछ भी पीसेंगे तो जितना भी जो सामान आपका लीकेज कर रहा है तो वो हेयर बैंड में ही अटक जाएगा, और इस ट्रिक का यूज कर कर आप अपने मिक्सी जार को गंदगी से बचा सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक है कपड़े को लेकर। कपड़े में हमारे बच्चे कभी ना कभी लिख लेते हैं, और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि उसमें पेन की इंक साफ दिखाई देती है। इस प्रकार के कुछ वाइट कपड़े होते हैं जिन्हें हमें साफ करने में काफ़ी परेशानी होती है, और अगर हम इसे साबुन से घिसते हैं ये बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। तो हमें ले लेना है डेटॉल, और डेटॉल की कुछ बूंदें हम इस प्रकार इसमें डाल देंगे, और आप इसका कमाल देखेंगे कि ये एकदम से इसे निकाल देता है। और इस प्रकार हमने थोड़ा ही डेटॉल इसमें डालना है, और डेटॉल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इस प्रकार रब कर लेंगे, और रब करने के बाद कुछ ही सेकंडों में आप देखेंगे कि जो इंक है इंक का कलर हल्का होते जा रहा है। और इस प्रकार आप देखिए कि बिना साबुन लगाए और बिना धोए ही यह इंक आसानी से निकल गई है, और इस ट्रिक का यूज कर कर आप अपने कपड़ों की इंक को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आज की ट्रिकें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। थैंक यू।